प्रधानमंत्री जी सुनिए एमएसएमई की क्या रिक्वेस्ट है आपसे। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मुकेश मोहन गुप्ता। ये जो मैंने सीरीज शुरू करी है दोस्तों, जिसमें हम बता रहे हैं कि एमएसएमई की क्या प्रॉब्लम है और क्या उनका सॉल्यूशन हो सकता है, और ये जो रिक्वेस्ट है हम कर रहे हैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर से। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट की थी कि दोस्तों प्लीज़ मैं तो अपने कुछ सजेशन आप यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को दूंगा ही, लेकिन क्योंकि आप प्रैक्टिकली देखते हैं, मेरा ये मानना है दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको फील्ड की मुझसे कहीं ज़्यादा नॉलेज है। दोस्तों मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या रिक्वेस्ट मुझे करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी से, कि इन एमएसएमई की तरफ आप देख ही रहे हैं लेकिन ये इनकी कुछ और समस्या है और ये हमारी तरफ से आपको कुछ सोल्यूशन है, तो प्लीज़ प्रधानमंत्री जी आप इनको इम्प्लीमेंट करवा दीजिए। दोस्तों इसी कड़ी में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अवि देवानाथ जी, तो अवि देवानाथ जी ने मुझे एक सजेशन भेजा है और मुझे लगा कि ये सजेशन हमें इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देना चाहिए। दोस्तों वो सजेशन आज का ये है कि जो एमएसएमई की जो डिफरेंट स्कीम है वो अलग अलग जगह पड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ एमएसएमई के लिए जो स्कीम्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पास हैं, कुछ स्कीम ऐसी हैं जो नए व्यापारी नए एंटरप्रेनर्स को एनकरेज करने के लिए भारत सरकार की हैं, वो हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप मिनिस्ट्री के पास, कुछ स्कीम्स हैं दोस्तों वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास हैं, कुछ स्कीम्स हैं नए एंटरप्रेनर्स को एनकरेज करने के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के पास हैं, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो और बहुत सारी जो मिनिस्ट्री हैं, क्योंकि इस सरकार का दोस्तों मैं ये फर्म बिलीवर हूँ कि जो प्राइम इनका जो कंसर्न है वो जो एमएसएमईज हैं उनकी तरफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद एक आउटरीच प्रोग्राम किया था एमएसएमईज के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा और जैसे देवानाथ जी ने भी मुझसे कहा कि जो स्कीम्स हैं वो अलग अलग स्कैटर्ड होकर अलग अलग मिनिस्ट्री में ये एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए हैं, तो हमारी प्रधानमंत्री जी आपसे आज इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां पर एमएसएमईज के लिए, ये जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए जितनी भी भारत सरकार की स्कीम्स हैं वो सब एक जगह पर आ जाएं, ताकि अगर कोई व्यापारी कोई छोटा एंटरप्रेनर कोई स्टार्टअप कोई स्टैंडअप इंडिया में कोई माइनॉरिटी कैटेगरीज का है या कोई जनरल कैटेगरी का है, अगर वो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वहाँ आ जाए, वहाँ देख ले कि कौन सी स्कीम्स में वो फिट बैठता है और कौन कौन सी स्कीम उनके लिए अवेलेबल हैं भारत सरकार की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। तो दोस्तों ये मैं समझता हूँ कि अगर ये एक ऐसी वेबसाइट बन जाए, और जो मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी जब ये आदेश दे देंगे तो ये वेबसाइट बनाना, क्योंकि जो स्कीम्स अलग अलग मिनिस्ट्री में हैं उन सबको कोलैबोरेट करके एक जगह लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा, फिर हम अपने हिसाब से सर्च करके देख लेंगे कि हमारे लिए कौन सी स्कीम अवेलेबल है। तो दोस्तों आज बस यही प्रधानमंत्री जी से गुजारिश कि आप जितनी भी स्कीम्स अलग अलग मिनिस्ट्री में, ये जो छोटे व्यापारी हैं एमएसएमईज के हैं उनके लिए अलग अलग जगह पर पड़ी हुई हैं, अलग अलग जगह पर ये जो पोस्ट हुई हुई हैं अलग अलग जगह पर अवेलेबल हैं, प्लीज़ उनके लिए एक ऐसी वेबसाइट बनवा दीजिए कि जहाँ पर ये छोटे व्यापारी जो एमएसएमईज हैं उनके लिए इनको ढूंढना इनको देखना आसान हो जाए। दोस्तों ऐसे ही ये सीरीज जो है ये चलेगी, और मेरी आपसे फिर एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप कमेंट करके, और यहाँ पर मैं एक फॉर्म भी दे रहा हूँ, इस फॉर्म में आप बकायदा अपना नाम अपनी मेल आईडी अपना फ़ोन नंबर के साथ मुझे बताइए कि मुझे प्रधानमंत्री जी से भारत सरकार से आपके बिहाफ पर क्या रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो एमएसएमई हेल्पलाइन है इसको देखने के लिए लगातार इसके बारे में अपडेट जानने के लिए प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस बेल को क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, नमस्कार।